दोस्तों, ये जो OTT प्लेटफॉर्म आ गया है दुनिया भर में, ये ऐप्स आप देख रहे हैं जिसमें बड़ा नाम आता है नेटफ्लिक्स, अमेज़ोन, MX प्लेयर वगैरह वगैरह, अनगिनत हो गए हैं, लिटरली ऑलमोस्ट 20। मतलब जो एक्सट्रीम हैं, यानी जो स्पेशल हैं, उनमें तो 10-12 ही नाम आते हैं लगभग। लेकिन आज उससे बड़ी बुरी बात ये हो गई है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों ने अपनी अपनी वीडियोज़ बनाना शुरू किया, और वो भी दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे। टाइटल तो गंदी बात रहता है, चलो ठीक है, टाइटल तो अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी फिल्म का या वेब सीरीज़ का अट्रैक्टिव रहता है ताकि व्यूवर्स उससे कनेक्ट हो सके। लेकिन बुरी बात तब हो जाती है जब इंडिया में इंडियंस एक्टर्स, चाहे वो स्ट्रगलिंग हो या एस्टेब्लिश हो, वो अगर न्यूडिटी को अपना लें, यानी टॉपलेस होकर अपनी शूटिंग कराएँ, तो ये बड़े अफसोस और शर्मनाक बात है, क्योंकि ये हमारे देश की परंपरा और हमारे देश की जो मतलब जो लिविंग स्टाइल है वो कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है हाई सोसाइटी के नाम पे। दोस्तों, कहीं तो लोगों ने बिकनी अवार्ड और ये अवार्ड फॉरेन में जाके जीतना शुरू किया, फीमेल एक्ट्रेस जिनको स्टार बनने की होड़ है, उसमें से आज एक बड़ा हादसा हुआ है इस इंडस्ट्री के ऊपर, लिटरली हमारे इंडियन सिनेमा के ऊपर एक कलंक सा बन गया है। और ये मामला आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये मुंबई के मड में बहुत सारे लोकेशंस हैं, यानी बंगलोज बहुत सारे हैं जिनमें एक ग्रीन पार्क बंगलो है, वहाँ पर की बात है कि ये लोग एक यूनिट शूटिंग कर रही थी, अचानक से किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर पोर्न फिल्म की शूटिंग हो रही है, और पुलिस जाती है वहाँ पर, रेड करती है, रेड मारती है, तो वहाँ पर एक्ट्रेस मतलब न्यूडिटी पोजीशन में मिले, यानी कि वस्त्रहीन कंडीशन में वहाँ पर पाए गए, और पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और उसके बाद FIR दर्ज किया। FIR दर्ज करने के बाद अभी कई सारे नाम उसमें जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन आज की खबर अपडेट ये है दोस्तों कि उसमें एक नॉन फिल्म इंडस्ट्री की एक शख्सियत की वाइफ का इन्वॉल्वमेंट, यानी उसकी कंपनी की इन्वॉल्वमेंट होने का अंदेशा बताया जा रहा है। ये चीज़ पूरी तरह से रिवील नहीं हुई है और मैं बताना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि किस तरीके से अपनी सक्सेस, अपने स्टारडम ग्लैमरस को अंजाम देने के लिए लोग कहाँ तक, किस हद तक गिरते जा रहे हैं। और उनमें से इसमें जो ये रेड में जो मेन अक्यूज़ पकड़ी गई वो फीमेल एक्ट्रेस है गहना वशिष्ठ, नेटिव प्लेस उनका भोपाल होता है, और ये भोपाल की रहने वाली हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में 2013 से स्ट्रगल कर रही हैं। कहीं पर वो कुछ वेब सीरीज में उनकी उन्होंने काम किया है, लाइक बालाजी की गंदी बात, उल्लू पे कुछ ऐप्स किए हैं, ऐप्स के लिए काम किया है उन्होंने, इस तरीके की वेब सीरीज़ किया है, फॉरेन में बिकनी अवार्ड जीता है, ब्ला ब्ला ब्ला, इनकी इस टाइप के फेरिस्त है। लेकिन कोई ऐसा इन्होंने मतलब होता ना कि नेशनल अवार्ड विनर और जो डिसेंट अवार्ड विनर हैं, वैसे कुछ काम नहीं किया इन्होंने, इसी टाइप के काम किया है, यानी वेलगरिटी के ऊपर इस कंटेंट में इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। और बताया जा रहा है कि इस शूटिंग में उनका बहुत बड़ा अहम रोल था उनका। और एक और नाम आ रहा है दोस्तों, एक और नाम आ रहा है उसमें, उमेश कामत, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसी रिपोर्ट आई है हमारे पास। और आगे बहुत सारे नाम, बड़े नाम जुड़ रहे हैं, देखते हैं आगे जो बड़े नाम आने वाले हैं वो किस तरीके के नाम लोगों के आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से ये कंटेंट के बारे में बताया गया कि इन लोगों ने लॉकडाउन में भी इस तरीके का कंटेंट शूट किया था, आप समझ लें, जब हम आप अपनी जान बचाने की होड़ में लगे हुए थे, तब ये अपने नेम फेम मनी के चक्कर में लगे हुए थे और ये न्यूड पोर्न कंटेंट बना रहे थे और फॉरेन की किसी प्रोडक्शन कंपनी को बड़ी अच्छी रकम में बेच रहे थे और वहाँ से ये कंटेंट अपलोड होता था और दुनिया भर में उसको दिखाया जाता था दोस्तों। तो मतलब सिर्फ चंद पैसों के लिए और कुछ पॉपुलैरिटी के लिए ये लोग इस हद तक गिर जाएंगे, मतलब इंसानियत को और हमारे देश इंडिया के जो कल्चर को बदनाम करने का काम किया गया है। लेकिन क्योंकि इंडिया में फॉरेनर्स आते हैं यहाँ के कल्चर के लिए, यहाँ की मतलब कह सकते हैं ना, जो हमारे यहाँ का माहौल है, जो हमारे की हमारे यहाँ की जो मासूमियत है, उसको इन्होंने शर्मसार कर दिया दोस्तों। तो देखते हैं आगे क्या इस केस में बातें निकल कर आती हैं, लेकिन आप लोग भी इससे सबक सीखिए कि चाहे जो भी हो जाए, पॉपुलैरिटी के लिए, थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए अपने कल्चर को, अपनी फैमिली के नाम को बदनाम ना करें। और दोस्तों, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप भी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दें, अच्छी समझदारी से समझाएं उन्हें कि हमारे इस देश के, हमारे कल्चर को और हमारी जो इंसानियत है उसको ज़िंदा रखें दोस्त। देखते हैं आगे क्या इस केस में आता है दोस्तों, लेकिन फ़िलहाल इंडियन सिनेमा के लिए एक
मतलब कलंकित मामला हो गया है, एक धब्बा लग गया है, क्योंकि ये पहला ऐसा वाक़या है जिसमें इस लेवल का ये मामला हुआ। और इस मैटर को क्या आगे मोड़ मिलता है, देखते हैं। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबर, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो, फिल्म इंडस्ट्री की हो, सोशल की हो, जैसी भी हर तरह की खबर हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। और प्लीज़ आप लोग हमारे न्यूज़ को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर डालिए दोस्तों। और अगर आप पहली बार सबलाइम न्यूज़ से बने हुए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये बेल बटन ज़रूर दबाएँ, उससे हर छोटी बड़ी खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो देखते रहिए, बने रहिए। जय हिंद।